वेलकम टू वे टू सक्सेस। दोस्तों ये हमारा idioms एंड फ्रेसेस का पार्ट 5 है। अगर आप लोगों को हमारे ये पार्ट पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। रन इनटू मतलब होता है मेट एक्सीडेंटली। जैसे कह सकते हैं, जैसे आप कहीं घूमने गए और आपका कोई पुराना दोस्त आपको क्या हुआ रास्ते में रन इनटू हो गया। रन इनटू मतलब मेट एक्सीडेंटली, यानी कि अचानक मिल गया, ठीक है, उसे बोलते हैं रन इनटू। कोई चीज़ अचानक एक्सीडेंटली कोई चीज़ मिल जाए कोई। आगे चलते हैं सेकेंड पॉइंट पर, आउट ऑफ द क्वेश्चन मतलब होता है इम्पॉसिबल। आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब होता है इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल कह सकते हैं, जैसे आपको अपने ऑफिस से छुट्टियां चाहिए तो आपने छुट्टियां 2-3 महीने के लिए मांग लिया, तो क्या पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है, तो वो आउट ऑफ क्वेश्चन है। मतलब आउट ऑफ क्वेश्चन का मतलब होता है कोई चीज़ इम्पॉसिबल हो, ठीक है, इम्पॉसिबल हो तो उसे आउट ऑफ क्वेश्चन बोला जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं थर्ड पॉइंट पर, टू ईट अ हम्बल पाई का मतलब होता है टू एक्सेप्ट डिफीट, यानी कि अपनी डिफीट को स्वीकार कर लेना। टू ईट अ हम्बल पाई बोलते हैं उसे। फोर्थ पॉइंट पर आते हैं, टू ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, यानी कि बातचीत स्टार्ट हो जाना, तो उसे बोलते हैं टू ब्रेक द आइस। यानी कि जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और अचानक क्या हुआ, टू ब्रेक द आइस हो गया, यानी कि वहाँ पे सारे लोगों में बातचीत स्टार्ट हो गई, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन हो गया वहाँ पे, ठीक है, टू ब्रेक द आइस। Not my cup of tea का मतलब होता है not what I like, यानी कि जैसे बेसबॉल इज नॉट माई कप ऑफ टी, यानी कि बेसबॉल मैं लाइक नहीं करता, जो चीज़ आप पसंद नहीं ना करते हो, not what I like, यानी कि बेसबॉल खेलना आप पसंद नहीं करते हैं तो क्या बोलेंगे, बेसबॉल इज नॉट माई कप ऑफ टी, तो उसका मतलब होता है जो चीज़ आप लाइक ना करते हो। सिक्स पॉइंट पर आते हैं, टू हैव सेकेंड थाट का मतलब होता है रिकन्सिडर करना, यानी कि आपने कुछ कह दिया इसके बाद आपने अपनी ही बात को रिकन्सिडर किया, फिर से आपने उसे सोचा, उस पर विचार किया, टू उसे बोलते हैं टू हैव सेकेंड थाट। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले वाले पॉइंट पर, सेवेंथ पॉइंट पर, टू ईट एनी वंस सॉल्ट का मतलब होता है टू बी वंस गेस्ट, यानी कि किसी का गेस्ट बन के जाना। टू ईट एनी वंस सॉल्ट मतलब जैसे मेरा दोस्त है उसे क्या पसंद है, टू ईट एनी वन सॉल्ट्स यानी कि किसी के दूसरे के घर जाना पसंद है, यानी कि किसी के गेस्ट बन के जाना पसंद है उसे, तो वो बोलते हैं टू बी वंस गेस्ट, यानी कि किसी का गेस्ट बनना, तो उसे बोलते हैं टू ईट वन सॉल्ट। समझ में आया? चलिए चलते हैं एट्थ पॉइंट, कम टू ग्रीफ मतलब होता है सफ़र करना, यानी कि सहन करना। ये तो ईजी सा था, कम टू ग्रीफ मतलब सहन करना, ओके। चलिए चलते हैं अगले नाइन्थ पॉइंट पर, थ्रू थिक एंड थिन मतलब होता है अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, यानी कि हमें अपने दोस्तों का कभी भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए, थ्रू थिक एंड थिन, यानी कि चाहे जितनी भी मुसीबतें आ जाएं,
ठीक है, अंडर ऑल सरकमस्टेंसेस, सारी मुसीबतों में, तो उसे बोलते हैं थ्रू थिक एंड थिन, मतलब सारी हर मुसीबतों में, ठीक है, थ्रू थिक एंड थिन। 10th पॉइंट पर आते हैं, वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन ए ब्लू मून मतलब होता है रेयरली, यानी कि बहुत मुश्किल से दिखाई देना, वंस इन ए ब्लू मून मतलब रेयरली, कहते हैं ना ईद का चांद वही होता है, रेयरली रेयरली, बहुत इजी था ये तो, वंस इन ए ब्लू मून रेयरली, यानी कि बहुत मुश्किल से। आगे आते हैं, बरी द हैचेट, बरी द हैचेट का मतलब होता है टू मेक पीस, यानी कि बहुत शांति बनाए रखना, ठीक है, शांति बनाए रखना, यानी कि कुछ लोग होते हैं जो शांति प्रिय होते हैं, यानी कि उन्हें लड़ाई झगड़ा इससे कोई मतलब नहीं होता है, तो वो होते हैं बरी द हैचेट। ओके, आगे आते हैं, जैसे इसके लिए अगर सेंटेंस हम बोलें, जैसे ही डिसाइडेड, उसने डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया टू बरी द हैचेट, यानी कि शांति बनाए रखना, इसने ये डिसाइड किया कि अब हमेशा शांति बनाए रखेंगे, टू मेक पीस, एकता रहेगी। आगे चलते हैं, 12th पॉइंट पर, वियर्स हर हार्ट ऑन हर स्लीव, वियर्स हर हार्ट ऑन द स्लीव्स का मतलब होता है एक्सप्रेस हर इमोशंस या एक्सप्रेस हर फीलिंग्स, एक्सप्रेस हर इमोशंस या फीलिंग, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, तो उसे बोलते हैं वियर्स हर हार्ट ऑन हर स्लीव्स। 13th पॉइंट पर आते हैं, टू टेक हिम ओवर, टू टेक हिम ओवर का मतलब होता है कन्विंस करना, यानी कि किसी को अपनी बातों में कन्विंस कर लेना, अपनी बातों में वो कर लेना, अपनी बातों से उसे अपने में अपने हिसाब से ढाल लेना, यानी कि उसे बोलते हैं टू टेक हिम ओवर, ठीक है, किसी के ऊपर वो कर लेना, किसी की ऊपर कब्जा कर लेना, यानी कि किसी को अपने अंडर में कर लेना अपनी बातों से, तो उसे बोलते हैं टू टेक हिम ओवर, कन्विंस कर लेना। 14th पॉइंट पर आते हैं, वेट बिहाइंड द ईयर्स, वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब होता है वेट बिहाइंड द ईयर्स इनएक्सपीरियंस्ड, जिसको एक्सपीरियंस ना हो, ठीक है, उसे बोलते हैं वेट बिहाइंड द ईयर्स, ठीक है, जैसे राम को जॉब ढूंढने में बहुत क्या हुई, मेहनत पड़ी, बहुत डिफिकल्टी हो रही है, क्यों, बिकॉज ही वॉज वेट बिहाइंड द ईयर्स, क्योंकि वो इनएक्सपीरियंस्ड है, उसे एक्सपीरियंस नहीं है, समझ में आ गया। 15th पॉइंट पर, किक्ड अप अ रो, किक्ड अप अ रो का मतलब होता है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, मेड अ ग्रेट फस, यानी कि टू कंप्लेन लाउडली अबाउट समथिंग, यानी कि किसी चीज़ की कोई कंप्लेन करना बहुत तेज़ी से, चिल्ला चिल्ला के कोई कंप्लेन करना, ठीक है, यानी कि लाउडली कोई कंप्लेन करना चिल्ला करके, तो उसे बोलते हैं किड अप अ रो। चलिए दोस्तों, चलते हैं 16th पॉइंट पर, 16th पॉइंट, सेंड हिम पैकिंग, सेंड हिम पैकिंग मतलब होता है टर्मिनेट हिज सर्विस, ठीक है, किसी ऑफिसर ने अपने नौकर को क्या कर दिया, सेंड हिम पैकिंग, यानी कि टर्मिनेट कर दिया अब सर्विस से, ठीक है, तो उसे बोलते हैं सेंड हिम पैकिंग। आगे आते हैं 17th पॉइंट पर, टू फोम एट वंस माउथ, यानी कि टू फोम एट वंस माउथ का मतलब होता है टू गेट वेरी एंग्री, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, क्रोधित हो जाना, तो उसे बोलते हैं टू फोम एट वंस माउथ। टू फील लाइक फिश आउट ऑफ वाटर, यानी कि जैसे मछली पानी से बाहर होती जैसा फील करती, वैसा फील करना, यानी कि अनकंफर्टेबल फील करना, टू फील लाइक फिश आउट ऑफ वाटर मतलब होता है अनकंफर्टेबल फील करना। एट द 11th आवर, एट द 11th आवर का मतलब होता है एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षणों में, यानी कि आखिरी क्षणों में। आगे आते हैं 20th पॉइंट पर,
टू बर्न वंस फिंगर्स, टू बर्न वंस फिंगर्स का मतलब होता है टू सफर फाइनेंशली लॉसेस, यानी कि आपको पैसों से कोई लॉस हो जाए तो उसे बोलते हैं टू बर्न वंस फिंगर्स, मतलब होता है कोई पैसे का कोई लॉस हो जाए, ठीक है, तो उसे बोलते हैं टू बर्न वंस फिंगर, ठीक है। चलिए दोस्तों चलते हैं 21st पॉइंट पर, टू ऐड फ्यूल टू फायर, टू ऐड फ्यूल टू फायर मतलब होता है किसी के गुस्से को और बढ़ा देना, इनसाइट, इनसाइट बोलते हैं इसे, ठीक है, इनकाइट, सॉरी इनकाइट बोलते हैं, जैसे टू ऐड फ्यूल टू फायर यानी कि किसी के गुस्से को और भड़का देना और बढ़ा देना, इनकाइट। आगे आते हैं 22nd पॉइंट पे, ऑन द हॉर्न्स ऑफ ए डिलेमा, ऑन द हॉर्न्स ऑफ ए डिलेमा का मतलब होता है किसी बहुत मुसीबत में आ जाना, यानी कि इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ठीक है, किसी मुसीबत में पड़ जाना, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आ जाना, तो उसे बोलते हैं ऑन द हॉर्न्स ऑफ ए डिलेमा, मतलब होता है इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। दोस्तों ये था हमारा idiom and phrases का part 5। अगर आपको हमारा ये पार्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम आप लोगों के लिए इसी तरह idiom and phrases के पार्ट्स लेकर आते रहेंगे जब तक कि 1000 idiom and phrases कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। दोस्तों ये सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पिछले साल किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशनों में से एक हैं। दोस्तों प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।